नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज चौखंबा वालों ने मुझे एक बुक भेजी है, जिस बुक के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये एक ग्रंथ है जिसको भेजा है चौखंबा वालों ने। मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और इसमें दिखाऊँगा कि इसमें ऐसा क्या है। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से मेरे इस चैनल को देखते रहिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह कंटेंट धार्मिक ग्रंथों के रिव्यू में करता रहता हूँ। तो आज हम देखते हैं दोस्तों आखिर इस में ऐसा क्या है जिसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो बने रहिए। तो चलते हैं दोस्तों अब डिस्प्ले पर। तो अब हम इस बुक का अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए ये मैंने अनबॉक्सिंग किया इस बुक का। देखो चौखंबा वालों से मैंने ये पुस्तक मंगाई है, ये इसका नाम है वायु पुराण। देख सकते हैं आप डिस्प्ले पर वायु पुराण। इसके विषय में बहुत कुछ कहने लायक है, बहुत कुछ जानने लायक है। मेरे पास एक इलाहाबाद का भी रखा हुआ है इस पूरी महान ग्रंथ का। ये देखिए वायु पुराण, महावायु पुराण जो है ये एक शैव पुराण के अंतर्गत भी आता है और इसमें एक लिंगी पुराण इसमें समावेश है। मैं इस बुक को दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले पर, थोड़ी देर आप इस बुक को पूरा देखिए, इस बुक का रिव्यू दिखा देता हूँ कैसी ये बुक दिखती है। जैसा आप देख पा रहे हैं वायु पुराण है ये, यानी कि एस एन खंडेलवाल की है, कृष्ण द्वापायन व्यास विरचित। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो वायु महापुराण प्राइस में देख सकेंगे तो ये लगभग 1250 रुपये का ये मेरे को पड़ा और इसमें डिस्काउंट भी लगा देते हैं। बाकी इसके अंदर आप देखेंगे अगर इसका इंडेक्स खोल के देखेंगे तो आप इंडेक्स खोल के देखिए, ये देखिए इसमें अनुकरण का दिए हुए कैसे वायु के बहुत सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। महावेश्वर के अवतार शस्त्र उतार वगैरह, बहुत ज्ञान की किताब है वायु पुराण। ये देखिए शिव के बारे में बहुत कुछ वर्णन इसमें आप उनको मिलता है, वायु महापुराण है। देखिए प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी है, काफ़ी ज्ञान वर्धक किताब मेरे को ये लगती है वायु पुराण। और बाकी आप देखेंगे तो पीछे इन पुराणों की लिस्ट दी हुई है पूरी जो आप देख सकते हैं। हर एक तरह के प्राण यहाँ आते हैं और कौन कौन से पब्लिशर्स को छापते हैं। ये चौखंबा संधि प्रतिष्ठान दिल्ली से प्रकाशित हुई है, आप देख सकते हैं इसकी जो दिल्ली से प्रकाशित होती है। और बाकी चौखंबा सुभारती प्रकाशन का कोलैबोरेशन है ये वाराणसी से। तो दोस्तों देखा आपने वायु पुराण में आपको दिखाया, वायु पुराण के विषय में मैंने बहुत सारी बातें आपको संक्षिप्त बात में आपको बता दी। तो आप इस पुराण को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है ये पुराण। बाकी किसी ना किसी दिन मैं इस पुराण का रिव्यू करूंगा तो आप मेरे चैनल में बने रहिएगा, कभी ना कभी इसका रिव्यू करूंगा, तो फुल रिव्यू इसका वायु पुराण का मैं करूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।